Young innovators today are solving problems which we face in our day-to-day lives. As per Ministry of Environment, Forest and Climate Change, about 3.32 million tons landfillable waste is generated in our country. This humongous amount of waste on various landfill sites creates heaps and heaps of garbage. Two brothers who spent their childhood near one of those landfill sites decided to find a solution for reducing the dump on these landfill sites and thus created alternative products to plastics and other such materials, which will not just bring down the amount of waste generated in the country, but will also reduce negative environmental impact. हमने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसा एक स्टार्टअप क्रिएट करें जिसमें कि हम ये लैंडफिल जो बन रहे हैं वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से बन रहे हैं, तो जहाँ पे भी हम सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव्स अगर हम बना पाएं तो हम कहीं ना कहीं लैंडफिल वाली प्रॉब्लम को और एक ग्लोबल प्रॉब्लम जो है क्लाइमेट चेंज, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि देश में इस टाइम माहौल बहुत ही अनुकूल है किसी भी स्टार्टअप के लिए, और आज के टाइम पे अगर आप स्टार्टअप बोलते हैं किसी को तो कम से कम 50% जनता स्टार्टअप शब्द से अवेयर है, क्योंकि इसका इतना प्रचलन हो चुका है। मोदी जी ने इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर दिया है। नीति आयोग जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, वो भी आपको इसमें बहुत सारी मदद प्रोवाइड कर रहा है। आप अगर एक स्टार्टअप बनाने की बस आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। वो प्रॉब्लम सिर्फ 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों की ना हो के वो अगर प्रॉब्लम 100 करोड़ 200 करोड़ लोगों की प्रॉब्लम है और आपके पास उसका समाधान है, इसका मतलब आपका एक स्टार्टअप बन सकता है। उस स्टार्टअप को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको अपना पहला कदम रखना है। आप बस ये ठान लो जिद के साथ कि मुझे ये स्टार्टअप करना है, आप उसका बाकी सब कुछ देश पे छोड़ दो, सब कुछ आपको समाज सिखा देगा। आप नीति आयोग की वेबसाइट पे जाइए, आपको वहाँ सारे चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सारे अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स खुले हुए हैं, आप अपने आइडिया को वहाँ पे अप्लाई करिए, अगर उसमें कुछ यूनिक होगा तो दे विल इंक्यूबेट यू। हम दोनों भाइयों ने ये स्टार्टअप स्टार्ट करा 2019 में। हमारी ब्रांड का नाम है यूनिको। यूनिको इज एन अमलगमेशन ऑफ यूनिक प्लस इको। यूनिको प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, एंड देयर इनोवेशन एनकरेजेस पीपल टू टेक इजी बट कॉन्शियस स्टेप्स टू लीड अ मोर अर्थ फ्रेंडली लाइफ। वी हैव अ प्रोडक्ट कॉल नाथ, जैसे कि बैम्बू इंडस्ट्री में जितना भी बैम्बू वेस्ट होता है, वी कलेक्टेड दोज बैम्बूज एंड आउट ऑफ दैट हम इसको कट करते हैं एंगल्स पे, और फिर इस पे हम इसको नेचुरल पॉलिशिंग करके इट्स एम्पलीफायर जिसमें हम फ़ोन को डालेंगे तो ये साउंड एम्पलीफाई हो जाती है। सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट कॉल प्लांट थेरेपी किट। इट्स बेसिकली वी आर गिविंग एन डी वाई टू द यूजर्स कि असली में पेड़ लगाया कैसे जाता है, बिकॉज हम लोग बहुत सारे इवेंट्स में जाते हैं, वहाँ सीधा बुके मिल जाता है, बट लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक पेड़ को कितने न्यूट्रिशन चाहिए, कितना पानी चाहिए। तो इसलिए हमने पूरी किट बनाई। इसके अंदर हमने यूजर्स को एक सीडिंग पॉट दिया, जो कि अगर आप इसमें से निकालेंगे, सो इन दैट व्हाट वी डू, इसमें ये नारियल के वेस्ट से हमने ये पॉट बनाया, एंड इसमें हमने 2 कॉइन दिए इस तरीके से। ये 2 कॉइन्स हैं जो कि इस पॉट में अगर आप डालेंगे, एंड इट्स ये कम्प्लीटली इसमें एग्रीकल्चरल मैन्योर्स हैं, तो आप इसमें डालेंगे एंड देन आप यू हैव टू इसमें आप पानी डालेंगे तो ये फूल के जैसे बचपन में सांप की गोली जैसे फूलती है वैसे ये फूलेंगे, एंड ये पूरा पॉट भर जाएगा विद द सीड्स पूरी मैन्योर के साथ। देन आपको इसमें एक हमने ये बॉक्स दिया है जिसमें कि सीड्स हैं, तो इसके अंदर हमने सीड्स दिए, 4 कैप्सूल दिए हैं। यूज़र को क्या करना है, जैसे एक कैप्सूल लिया और जब ये इसमें पूरी खाद बन जाएगी आपको एक कैप्सूल लेना है, सीधा इसमें डालना है, एंड आप एक कैप्सूल डाल सकते हैं, बाकी 3 आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर में दूसरे प्लांट्स के अंदर। एंड विद दैट ये सारी इसमें आप इससे उसको पूरा सेट कर सकते हैं, एंड विद इन 10 to 15 days डिपेंडिंग ऑन द सीड्स जर्मिनेशन, सो इसमें से आपके पेड़ निकलने शुरू हो जाएंगे। आफ्टर जैसे इसमें पत्तियां निकल के आ जाएँ आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए अपने बड़े पॉट में, ये पूरा पॉट डिग्रेड हो जाएगा, आपका पेड़ उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। Other than these, Unico has a wide range of products like plantable pens and pencils,
Morning Glory bamboo kits and other eco-friendly office utility items. The desire to do something good for the society made these brothers take another leap of extending support to the marginalized people of the country. But their journey could not have been possible without a constant support from the government of India. So, एक startup के लिए ना सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो start हर कोई startup मेहनत बहुत करता है, but उसको मेहनत का फल तब मिलता है या तो उसकी sale बहुत अच्छी हो, या तो sale तो होती है, पर दूसरी चीज़ होती है कि उसको जब लोगों के feedbacks मिलते हैं, लोगों के appreciations मिलते हैं, उसको अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और आज के टाइम में मीडिया में आना या मीडिया में फीचर होना या बड़े लोगों का सपोर्ट मिलना वो बहुत अच्छी बातें होती हैं। तो जैसे कि हमें सबसे पहले हमें काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट्स मिले, ग्रांट्स मिली, हमें पहले पता ही नहीं था कि ग्रांट भी कुछ होती हैं। फिर हमें किस हमारे मेंटर्स ने बताया कि ग्रांट एक टर्म्स होती हैं, आप ग्रांट्स को देखो, इम्पैक्ट ग्रांट्स बहुत ज़्यादा निकलती हैं गवर्नमेंट्स की, कॉर्पोरेट सेक्टर्स की, उनको फिल करो। हमने फिल किया, हम लोग जीते भी। अभी हम रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स से हम लोगों को ग्रांट मिली। वी आर इन टॉप 30 स्टार्टअप बाय स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज। देन हमें इंटरनेशनल ग्रांट्स मिली, HDFC बैंक से हमें ग्रांट मिली, फेसबुक से मिली, स्टार्टअप इन UP ने हमें सपोर्ट किया एज अ मार्केटिंग ग्रांट कि हम मार्केट में प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छी मिलती है हम लोगों को दैनिक जागरण ने फीचर किया, उनके फ्रंट पेज पे हम लोग आए। हम लोग गए थे केजरीवाल जी से मिलने, बट केजरीवाल जी से नहीं मिले, बट हम दैनिक जागरण के चीफ एडिटर सर से मिले। और कभी भी मैं उन सर से मिला और मैंने उनके साथ अपनी आइडिया शेयर किया, तो उन्होंने बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, उन्होंने हमारी स्टोरी फीचर करी। फिर अभी हम लोगों को ऑडी की तरफ से हमें सपोर्ट मिला, हम लोग मैनचेस्टर गए, वहाँ पे हम लोग ने इंट्रैक्शन किया ऑडी के साथ। हमें स्टार्टअप इंडिया ने हमें डेलीगेशन में सेलेक्ट किया, दुबई हम लोग गए अपने इनोवेशन को शोकेस करने के लिए। फिर हर साल ट्रेड फेयर लगता है, वहाँ पे MSME के थ्रू हमें सपोर्ट मिला, हम लोग ने स्टॉल लगाई विदाउट एनी कॉस्ट, 0 रुपीज़ में हम लोग ने अपनी कॉस्ट स्टॉल लगाई और हमने काफ़ी अच्छे अमाउंट में अपनी इनोवेशन लोगों को दिखाई, लोगों ने हमारे सामान को खरीदा। ये सारी अचीवमेंट्स ना बूस्ट करती रहती हैं स्टार्टअप को कि हम और अच्छा काम करते रहें और लोगों को और यही सेम चीज़ हमारी टीम मेंबर्स को भी खुशी देती हैं कि जब हम उन्हें लगता है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो इस लेवल पे है, इस लेवल पे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर अभी सबसे बड़ा सपना हमारा पूरा हुआ कि हमारे को मोदी जी के टेबल पे उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किया। अभी योगी जी ने भी हमें इन्वाइट किया कि हम अपने प्रोडक्ट्स को उन तक दिखाएँ, हमने अपने प्रोडक्ट्स को उनको दिखाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया, उन्होंने बोला कि हमारे हर डिपार्टमेंट में आपके प्रोडक्ट यूज़ होंगे क्योंकि ये बदलाव आ रहे हैं दोनों जगह पे। उसके बाद अभी हम मन की बात में भी हम लोगों को इनवाइट किया है, उसमें भी हम लोग आने वाले हैं। तो ये बहुत सारे जो छोटे छोटे और अच्छे अच्छे इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स ले रही हैं, और मैं चाहता भी हूँ कि मतलब ये मेरा एक रिक्वेस्ट भी है कि गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ये सब स्टेप जब लेती है तो इससे यंगस्टर्स को और ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो लोग भी कुछ आगे बढ़ें और वो लोग भी जॉब क्रिएटर बने रैदर देन अ जॉब सीकर। Innovators like Ankit and Atul are not just solving problems but also creating awareness amongst people to recycle, reuse and reduce, taking a step forward in achieving the goal of environment sustainability.